एनी प्राइम में ट्रेडिंग और नरेशन अकाउंटिंग चालू है। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम डिलीवरी नोट देखने वाले हैं। हमने ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर रिसीव किया, उसका गुड्स हमें डिलीवर करना है। अब मैंने दो ऑर्डर रिसीव किए थे और दोनों ऑर्डर मैंने आपको एग्जाम्पल में दिए हैं। तो टोटल 50 माउस मैं अभी यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। ऑर्डर डिलीवर 50 USB माउस ऑफ आई बॉल इच ऑफ ₹420 फ्रॉम विकास ट्रेडिंग सेंटर। मैंने 7 दिसंबर को उनको डिलीवर कर दिया। ऑर्डर 5 दिसंबर को आए थे, मैंने 2 दिन के बाद ऑर्डर डिलीवर कर दिया। हमने गुड्स डिलीवर कर दिए, बिल अभी नहीं भेजे हैं, खाली गुड्स को डिलीवर कर दिए। तो ऐसे समय पे डिलीवरी नोट की एंट्री पास होती है। डिलीवरी नोट आपको आना चाहिए पास करने के लिए, तो मैं आ जाता हूँ टेलीप्राइम पर। टेलीप्राइम पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा ट्रेडिंग कंपनी खुला हुआ है, मुझे यहाँ पर वॉचर्स को खोलना है, तो मैं आ जाता हूँ वॉचर्स पे। तो वॉचर्स पे आने के बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा क्या खुला हुआ है, पेमेंट वॉचर खुला हुआ है। मुझे यहाँ पे क्या खोलना है, डिलीवरी नोट, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt+F8। पर अभी क्या होगा कि मैं शॉर्टकट यदि प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वो नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि ये अभी क्या है, डिसेबल है। मुझे क्या करना होगा, इसे इनेबल करना होगा। तो कैसे इनेबल करते हैं, तो कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F10 बटन, जो कि यहाँ पर अदर वॉचर्स का शॉर्टकट की है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो आपको कीबोर्ड से F10 करना है। जैसे ही आप F10 करेंगे, आपके सामने में यहाँ पर लिस्ट ऑफ वॉचर्स खुल के आएगा। आपको जाना है शो इनएक्टिव पे, तो आपको ऊपर जाना होगा। तो ऊपर जाने के लिए आप बार बार अप एरो प्रेस करेंगे तो टाइम लगेगा ऊपर जाने में। आपको डायरेक्टली जाना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करिए SH। अभी देखिए नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर चेंज वॉचर में क्या लिखा हुआ है, पेमेंट। आपको स्केप करना है और स्केप करने के बाद फिर से प्रेस करना है SH। जैसे ही आप कीबोर्ड से SH प्रेस करेंगे, आपके सामने में यहाँ पे सो इनएक्टिव डायरेक्टली आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं अभी इसे हटा देता हूँ और मैं आ जाता हूँ नीचे पेमेंट पे, सेल्स ऑर्डर पे। सेल्स ऑर्डर पे आ गए और मुझे जाना कहाँ है, ऊपर जाना है सो इनएक्टिव में। तो हम कैसे जाएंगे, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे SH। जैसे ही प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सो इनएक्टिव पे। आने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर बटन हम यहाँ पे प्रेस किए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा यहाँ पर डिलीवरी नोट आ चुका है, जो कि यहाँ पे अभी इनएक्टिव है। तो यहाँ पे हम आ करके कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पूछ रहा है, यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट वॉचर टाइप। तो मुझे इसको एक्टिवेट करना है, तो फिर से इंटर करेंगे तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मेरा डिलीवरी नोट एक्टिवेट है। जैसे मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F8, तो यहाँ पे मेरा सेल्स खुल जाएगा। मुझे क्या खोलना है, डिलीवरी नोट। तो इसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt के साथ F8 बटन। जैसे ही Alt F8 करते हैं, यहाँ पे मेरा डिलीवरी नोट खुल चुका है। सबसे पहला पूछता है यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का यहाँ पे नाम डालना होगा। तो पार्टी का मेरा नाम क्या है, विकास ट्रेनिंग सेंटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपका आ रहा है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, जो उन्होंने ऑर्डर किया था उसी के अगेंस्ट में हम उसको, जो उसका स्टॉक आइटम है वो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑर्डर आप भेज रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो मैं जो अभी भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ Order 1। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। यदि आप साथ में 2 भी भेज रहे हैं तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम 1 ही भेज रहे हैं, तो 1 को ही सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। डिस्पैच डिटेल यदि आपने भरा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पार्टी डिटेल आएगा, कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कि सेल लेजर आ चुका है, उसके बाद इंटर करेंगे। USB माउस आ चुका है, जो कि मुझे यहाँ पर उनको डिलीवर करना है। ट्रैकिंग नंबर आपका 1 ही रहेगा, ऑर्डर नंबर भी 1 ही रहेगा, इंटर करेंगे। 50 पीस उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था और मैं उसे 50 पीस यहाँ पर भेज रहा हूँ, इंटर करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट भी आ चुका है और ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा क्वांटिटी भी आ चुका है, क्योंकि उन्होंने 50 पीस ही ऑर्डर किया था, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पे पूछता है कि आपके पास और भी यदि ट्रैकिंग नंबर है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, बट मेरा अभी एक ही ट्रैक करेगा। तो एंड ऑफ लिस्ट करके इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे। और भी यदि यहाँ पर आइटम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली छोड़ दीजिए, इंटर करिए। उसके बाद यहाँ पे आता है नरेशन लिखने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नरेशन को टाइप करना है। तो आप क्या यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, नरेशन हो जाएगा यहाँ पर बींग गुड्स डिलीवर्ड। बींग गुड्स डिलीवर लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है, तो यहाँ पर मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आप डिलीवरी नोट को तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कैसे हम लोग डिलीवरी नोट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मतलब बनाएंगे, एंट्री पास करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिपोर्ट को चेक करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से स्केप करेंगे, स्केप करके बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है लिखा हुआ है स्टॉक समरी। आपको स्टॉक समरी में आना है और इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर किए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माउस 34। मतलब अभी यहाँ पे कितना हो गया, 34, पहले कितना था, 84। मतलब 50 जो हम उसको डिलीवर किए ऑटोमेटिक यहाँ से घट गया। तो इस प्रकार से आप स्टॉक समरी से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद मैं आ जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आके इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको डे बुक दिखता है, आपको डे बुक पे इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मैं अभी डिलीवर किया हूँ यहाँ पे दिख रहा है आपको, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएसबी माउस दिख रहा है, यह उसका बिल है डिलीवरी नोट का। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, यूएसबी माउस दिख रहा है। जितना भी आपका डिलीवरी नोट होता है, रिसिप्ट नोट होता है और रिजेक्शन आउट होता है, इसका आपका नाम नहीं दिखता है, उसका स्टॉक आइटम दिखता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि स्टॉक आइटम का नाम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये इन्वेंट्री बेस वॉचर है, अकाउंटिंग बेस नहीं है। अकाउंटिंग बेस यदि रहेगा तो आपको यहाँ पर डेबिट नोट में और परचेज में जो है नाम दिखेगा, जो कि दिख रहा है। तो इनमें अकाउंटिंग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए इसे इन्वेंट्री बेस बोला गया है। तो इसलिए यहाँ पर स्टॉक आइटम आता है। आपको डाउट रहेगा इसलिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि ये जो वॉचर है ये क्या है, इन्वेंट्री बेस है। तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि जो ये वॉचर है ये क्या है, इन्वेंट्री बेस है। और जो हमने पहले सीखा था डेबिट नोट परचेज, ये सारा अकाउंटिंग बेस वॉचर था। तो उसमें आपका कंपनी का जो भी नाम था, डिटेल था, वो दिख रहा है। और इसमें क्या दिख रहा है, स्टॉक आइटम दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉक नहीं चेंज हो रहा है, अकाउंट में कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो आपने डिलीवर कर दिया, हमने अभी तक बिल नहीं बनाया है, जो कि सेल्स बिल है, जो कि हम आगे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो स्टॉक आइटम में हमको आना है, बैक आ जाते हैं यहाँ से हम। और बैक आने के बाद मैं आ जाता हूँ और बैक, और यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉक समरी। इस पे आके इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे, यूएसबी माउस पे भी इंटर करेंगे, उसके बाद अप्रैल महीने पे इंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो बिल अभी हम लोग बनाए थे, वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल्स बिल पेंडिंग। जब हम सेल्स बिल बना देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने सामान को बेचा नहीं है, सिर्फ डिलीवर किया है। जब सेल्स बिल बनाएंगे तो ये वो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, बिक जाएगा। तो आपको पता चला है कहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं, सेल्स बिल पेंडिंग। सबसे पहले आपको स्टॉक समरी में आना है, फिर उसके बाद इंटर इंटर करते चलना है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। तो आपको फाइनली समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग डिलीवरी नोट का एंट्री पास करते हैं। तो आपको देखना है कि जो एंट्री बचा हुआ है एक, वो कहाँ पे दिखता है, जिसका कि हम लोगों ने डिलीवरी नोट अभी नहीं बनाया है, तो वो मुझे देखना है। तो कैसे हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए अभी मैं बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि मुझे क्या चेक करना है, इन्वेंट्री चेक करना है, अकाउंटिंग नहीं चेक करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ढूंढेंगे सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो मैं आ जाता हूँ सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मुझे आना है स्टॉक आइटम पर, इस पर इंटर करेंगे। यूएसबी माउस दिख रहा है, यूएसबी माउस पे इंटर करना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पर जो मेरा 2 नंबर सेल्स ऑर्डर है वो यहाँ पे पेंडिंग में दिख रहा है, जिसका 30 पीस मुझे किसी को डिलीवर करना है, जो कि मेरा विकास ट्रेडिंग सेंटर है। तो इसको हम डिलीवर करेंगे बाद में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो भी आपका पेंडिंग में, जिसको आपने डिलीवर नहीं किया है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग डिलीवरी नोट का एंट्री को पास करते हैं। तो थैंक यू।